बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एटीट्यूड्स टू लैंग्वेज। लैंग्वेज के एटीट्यूड्स क्या होते हैं, ये रीडिंग पैसेज वन है, टेस्ट थ्री बुक नाइन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, अपने इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। 1, 2, 3, 13 क्वेश्चन है ये, और 20 मिनट का बस टाइम है। इसको हम लोगों ने मैक्सिमम 15 मिनट में सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू बी सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव अबाउट लैंग्वेज स्टडी। पॉपुलर लिंग्विस्टिक डिबेट रेगुलरली डिटर्स इनटू इनवेंसिटिव एंड पोलेमिक। लैंग्वेज बिलोंग्स टू एवरीवन, सो मोस्ट पीपल फील दे हैव अ राइट टू होल्ड एन ओपिनियन अबाउट इट, एंड इट्स डिफर इमोशंस कैन रन हाई, आर्ग्यूमेंट्स कैन स्टार्ट एज इजीली ओवर माइनर पॉइंट्स ऑफ यूजेज ओवर पॉलिसीज ऑफ लिंग्विस्टिक एजुकेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउंस। कीवर्ड्स को अपन अंडरलाइन कर लिए, इसके बाद आगे जाना जोसेफ प्रेसली। आज क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन कौन से, 1 to 18 है, येस नो नॉट गिवन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अपने क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई भी हार्ड चीज़ नहीं थी अंडरलाइन करने वाली, इसलिए मैंने कोई भी अंडरलाइन नहीं किया, इसलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ गया। येस क्या होता है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे भी मौजूद है वो पैसेज में भी मौजूद है, ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। नो क्या था, जो स्टेटमेंट यहाँ पे भी दी गई है लेकिन वो पैसेज में भी दी गई है, गलती से लिख गलती है। नॉट गिवन क्या था, जो स्टेटमेंट दी ही ना गई हो। There are understandable reasons why arguments occur about language. There are understandable reasons. अब हम देखेंगे क्या वाकई understandable reasons हैं। Language belongs to everyone, so most people feel they have a right to hold an opinion about it. And when opinions differ, emotions can rise high. हमारा आंसर क्या है, लैंग्वेज बिलोंग्स टू एवरीवन एंड दे हैव अ राइट टू होल्ड ओपिनियन अबाउट इट, एंड व्हेन ओपिनियंस डिफर इमोशंस कैन राइज़ है। क्या होता है अंडरस्टैंडेबल, हमारे अगर हम लोग क्या करते हैं, जब बैठ के आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और हमारी कोई बात जो है वो आगे वाले को पसंद नहीं आती, तो वहीं पर हमारे आर्गूमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या है, ट्रू है। पीपल फील मोर स्ट्रॉन्गली अबाउट लैंग्वेज एजुकेशन दैन अबाउट स्मॉल डिफरेंस इन लैंग्वेज यूजेज। अब देखेंगे लोग जो है वो ज़्यादा लैंग्वेज एजुकेशन, पीपल फील मोर स्ट्रॉन्गली लैंग्वेज एजुकेशन के लिए स्ट्रॉन्ग करते हैं या लैंग्वेज यूजेज के लिए। आर्गूमेंट्स कैन स्टार्ट एज ईजीली ओवर माइनर पॉइंट्स ऑफ यूजेज एज ओवर मेजर पॉलिसीज ऑफ लिंग्विस्टिक एजुकेशन। आर्ग्यूमेंट्स कैन स्टार्ट एज ईजीली ओवर माइनर पॉइंट्स ऑफ यूजेज। अब यहाँ पे देखो जरा, पीपल फील मोर स्ट्रॉन्गली अबाउट लैंग्वेज एजुकेशन, यहाँ पे क्या कहते हैं, लैंग्वेज एजुकेशन, उन्होंने कहा पीछे क्या कहा, लैंग्वेज यूजेज। तो हमारा आंसर ये क्या है, फॉल्स है। अवर असेसमेंट ऑफ अ पर्सन इंटेलिजेंस अफेक्टेड बाय द वे ही आर शी यूजेज लैंग्वेज। लैंग्वेज मोर ओवर इज अ वेरी पब्लिक बिहेवियर, सो इट इज़ ईजी फॉर डिफरेंस लैंग्वेज टू नोटेड विद इटसेल्फ दैट सोशल बिहेवियर इज एग्जाम्पल। लिंग्विस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हाउ वी जज पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, सोशल स्टेटस, इन एजुकेशन, जॉब एप्टीट्यूड एंड मेनी अदर इज ऑफ डिफरेंट सोशल सर्वाइवल। इट इज़ ईजी टू हर्ट एंड टू बी हर्ट व्हेन लैंग्वेज यूज इज अनअफेक्ट फीलिंगली अटैक। तो हमारा आंसर ये क्या है, ये ट्रू है। वे ही आर शी यूजेज लैंग्वेज, एज अ रिजल्ट इट इज़ ईजी टू हर्ट एंड टू बी हर्ट व्हेन लैंग्वेज यूज इज अनफीलिंगली अटैक। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आपसे आप किसी से बदतमीजी करते हैं तो आप ऑटोमेटिक जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हम हर्ट होते हैं उसके पास। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर बुक्स कॉस्ट लॉट ऑफ मनी टू बाई इन द 18th century। 18th century देखें किधर है जी, 18th century यहाँ पर देखें बुक्स की बात हुई है, स्टडी प्रेस्क्रिप्टिव स्पेशली इन द 18th century ग्रामर एंड डिक्शनरीज। तो ये क्या है, हमारा नॉट गिवन है। प्रेस्क्रिप्ट
डिस्क्रिप्टिविज्म स्टिल एग्जिस्ट टुडे, अभी भी मौजूद है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये देखें, दीज एटीट्यूड्स आर स्टिल विद अस। अब कौन से एटीट्यूड्स? ये प्रेस्क्रिप्टिव एटीट्यूड्स, ये प्रेस्क्राइब्ड एटीट्यूड्स, एंड दे मोटिवेट अ वाइडस्प्रेड कंसर्न दैट लिंग्विस्ट स्टैंडर्ड्स शुड बी मेंटेन। नेवर्थलेस देयर इज एन अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कंसर्न लेस विद स्टैंडर्ड्स देन विद द फैक्ट्स लिंग्विस्टिक यूजेज। दीज एटीट्यूड्स आर स्टिल विद अस, तो हमारा आंसर क्या है? ये ट्रू है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्टिविज्म इट इज पॉइंटलेस टू ट्राई टू स्टॉप लैंग्वेज चेंज। यहाँ पे देखो जरा, लिंग्विस्टिक टू रिकॉर्ड द फैक्ट्स ऑन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड नॉट टू अटेम्प्ट द इम्पॉसिबल टास्क ऑफ एवेल्यूएटिंग लैंग्वेज वेरिएशन और हाल्टिंग लैंग्वेज चेंज। हाल्टिंग मतलब लैंग्वेज चेंज। अब यहाँ पे हमें क्या कहते हैं वो, दिस इज पॉइंटलेस टू ट्राई टू स्टॉप लैंग्वेज, यहाँ पे क्या है पॉइंटलेस। हाल्टिंग मतलब आप रोक नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्टिव इट इज पॉइंटलेस टू ट्राई टू स्टॉप लैंग्वेज, तो हमारा आंसर क्या है? ये ट्रू है। डिस्क्रिप्टिविज्म ओनली अपीयर्ड आफ्टर द 18th सेंचुरी, कहते हैं 18वीं सदी के बाद अपीयर हुई थी। अब यहाँ पे देख लें ज़रा, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी वी ऑलरेडी फाइंड एडवोकेट्स ऑफ दिस व्यू। सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी सच एज जोसेफ प्रेसली। तो किसकी बात करें? ये डिस्क्रिप्टिविज्म जो है वो 18th सेंचुरी हाफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, तो हमारा आंसर क्या है? ये फॉल्स है। बोथ डिस्क्रिप्टिविस्ट्स एंड प्रेसक्रिप्टिव्स हैव बीन मिस रिप्रेजेंटेड, उनको गलत पेश किया गया। यहाँ पे देखें ज़रा, इन आवर ओन टाइम द अपोजिशन बिटवीन डिस्क्रिप्टिविस्ट एंड प्रेसक्रिप्टिव्स हैज़ ओपन बिकम एक्सट्रीम विद बोर्ड्स पेंटिंग अनरियल पिक्चर्स ऑफ द अदर, इन्होंने दूसरे लोगों की गलत पिक्चर्स दिखाई हैं, तो हमारा आंसर ये क्या है? ये ट्रू है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1-8। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 9-12। अकॉर्डिंग टू डैश देर इज ओनली वन करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, किसके मुताबिक एक ही लैंग्वेज है? अकॉर्डिंग टू डैश देर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, हम देखेंगे कि हमने ये सर्च कहाँ से करना है। वन करेक्ट फॉर्म लिंग्विस्टिक्स में टेक इन फॉर लैंग्वेज प्लेस ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ग्रामेटिकल, देख लेते हैं कि जरा ग्रामेटिकल, ये ग्रामेरियंस आ गया है, तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ द मोस्ट जनरल सेंस प्रेस्क्रिप्टिव इज द व्यू दैट वन वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे आ गया हमारा वन वैरायटी ऑफ लैंग्वेज हैज इनहेरेंटली हायर value than other and that this ought to be imposed on the whole of the speech community. This view is propounded especially in the relation to grammar and vocabulary frequently with preference which is favored in account conciae prescriptivism is the view that one variety of language. Our answer kya hai yahan pe? H, prescriptivists. To hum yahan pe kya likhenge? H, linguists who took take this approach to language place great importance on grammatical dash, place great importance on grammatical dash. यहाँ पे देख लें, द एम्स ऑफ दीज अर्ली ग्रामेरियंस वर थ्री फोल्ड, दे वॉन्टेड टू कोडिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ देयर लैंग्वेज। कोडिफाई द प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रूल्स। To show that there was system beneath the apparent choice of usage, they wanted a means of principles on their language. तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स का असूल होता है, कवानीन होते हैं। इसका आंसर क्या है? एफ, रूल्स। कैन वी सी द व्यू ऑफ डैश सच एज जोसेफ प्रेसली, व्यू शुड बी बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ डैश, इस
colors the view or colors the view of desert as well. The view of this. We already find attributes of this view. एडवोकेट्स क्या होते हैं, जो स्पीच करते हैं, जो बोलते हैं. इसका आंसर क्या है, सी. एडवोकेट्स इधर गया. नेक्स्ट पैरा इज दैट ग्रामर शुड बी बेस्ड ऑन डैश. किस पर होनी चाहिए ग्रामर, कहते हैं ग्रामर शुड बी एंड दिस व्यू हैज़ बिकम द टेंट ऑफ द मॉडर्न लैंग्वेज प्रोपर टू ग्रामेटिकल एनालिसिस. ग्रामेटिकल एनालिसिस तो क्या है आंसर हमारा, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स. इसका क्या आंसर है, बी. अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 इसका क्या आंसर है. विच व्हाट इज द राइटर्स पर्पस इन राइटिंग पैसेज नंबर 1. व्हाट इज द राइटर पर्पस इन राइटिंग पैसेज नंबर 1. अब आपने यहाँ पे क्या करना है, राइटर का पर्पस बताना है कि उसका पर्पस क्या था. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका हम लोग अपने पास से ही आंसर देंगे. इसका हम अपने पास ही आंसर देंगे. और टू प्रेजेंट अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ डिफरेंट व्यूज ऑफ लैंग्वेज. टू प्रेजेंट अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल, यहाँ पे हमारा आंसर बी है. अच्छा, हम इसको दोबारा, यहाँ पे थोड़ी सी हमसे गलती होगी, इसको हम दोबारा देख लेते हैं. कन्वर्स द व्यू ऑफ डैश सच एज जोसेफ प्रेसले, जैसा कि जोसेफ प्रेसले का व्यू था. हम देखते हैं व्यू किसका है. दिस अप्रोच इज समराइज्ड इन द स्टेटमेंट दैट इट इज अ टास्क ऑफ ग्रामर टू डिस्क्राइब, ग्रामर टू डिस्क्राइब नॉट टू प्रेस्क्राइब. टू रिकॉर्ड द फैक्ट्स ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड नॉट टू अटेम्प्ट द इम्पॉसिबल टास्क of evaluating language variation and adding language in the second half of the 18th century. We find advocates of these views such as Joseph's view. कौन सा व्यू है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आंसर हम क्या दे रहे हैं आप, डिस्क्रिप्टिविस्ट. यहाँ से देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, ग्रामरियन टू डिस्क्राइब नॉट टू प्रेस्क्राइब. यहाँ से देख लें, डिस्क्राइब नॉट टू प्रेस्क्राइब, तो हम आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका, ए. सच एज दैट ग्रामर शुड बी बेस्ड ऑन. अब देखते हैं ग्रामर किस चीज़ के ऊपर, ग्रामर शुड बी ग्रामेटिकल एंड दिस व्यू हैज़ बिकम द टेंट ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक ग्रामेटिकल एनालिसिस. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, पॉपुलर स्पीच. यहाँ भी हम आंसर इसका सी दिया. ये था हमारा आज का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 9 to 12. काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी लेक्चर्स जो हैं वो रेडी कर रही हूँ. इंशाल्लाह जो जो आपको ज़रूरत होगी आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि आप हमारे लिए वाला मैसेज नोट करना. बहुत शुक्रिया.